हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूँ आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं, मार्केट आज ऑलमोस्ट फ्लैट था। निफ्टी में कोई भी मूवमेंट नहीं आई है, अल्दो गैप अप ओपन हुआ उतना ही मूवमेंट था और वो 160 पॉइंट के आसपास जा करके बंद किया है आज निफ्टी ने। आप देख सकते हो ये गैप अप के बाद जो है वो कम्प्लीटली मार्केट जो है वो साइडवेज रहा। निफ्टी में कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम आया नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में बहुत कंटिन्यूअसली गिरावट आई, उसके बाद स्टॉक अभी वोलाटाइल हुआ और आज जो है वो साइडवेज रहा। अब एक रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। अब रेंज में हम लोग नडारिया वाटसन के इस पर देखते हैं कि किस तरीके से इस रेंज में मार्केट फंस चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट में देखते हैं कि LTP कैलकुलेटर के हिसाब से किस तरीके का सीन बना हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे कि 700-600 इसके बीच में रेजिस्टेंस जो है वो खेलता रहा। ठीक है, और सपोर्ट जो है वो 600 पर बना रहा और आखिर में हुआ 600 पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही जा करके वहां पर सेट हो गए। 600 की लेवल यानी कि 600-650 ये जो लेवल है वो हम लोगों को एज अ साइडवाइज मार्केट काम करती हुई दिखी यहाँ पर। और इसका जो बिगेस्ट प्रूफ है जहां पर ये आपको पता चलेगा, तो ये हो गया 600 का लेवल। 2.0 में जैसे बता रहा था, 2.0 में हम लोगों को कॉल राइटर पुट राइटर्स कॉल राइटर्स दिख रहे थे। तो 600 एक सब सपोर्ट का एरिया हुआ और 650 एक रेजिस्टेंस का एरिया हुआ, क्योंकि वहां पर भी कॉल पुट राइटर बने हुए। तो 2.0 की थेरी ये बताती है हम लोगों को कि अगर किसी स्ट्राइक प्राइस के पास किसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर या फिर ऊपर नीचे एट द मनी पे अगर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स साइमल्टेनियसली बढ़ रहे, यहाँ पर जैसे बढ़ रहे थे और दोनों ही पैरेलली चल रहे थे, इस तरीके से अगर कुछ सीन आप लोगों को दिखता है 2.0 के अंदर, तो समझ जाइए वहां पर मार्केट जो है वो कंसोलिडेट होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट जो है कंसोलिडेट होगा। फ्राइडे था इसलिए निफ्टी में ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम डिके उतना ज्यादा नहीं मिलता और एग्रेसिवली ये बढ़ता है। अब यहाँ पर जो है वो रेंज बन चुकी है, मार्केट की एक रेंज बन चुकी है। अब इस रेंज को जो है हम लोग बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट होगा, यहाँ से लेकर टॉप से लेकर बॉटम पे ये एक बॉक्स हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ग्रे कलर का ये बॉक्स रहेगा, इस तरीके से आपको वो क्लियरली दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो है वो रेजिस्टेंस का एरिया हो सकता है। अब इसको हम लोग लेकर चलते हैं 800 पर। और हाँ, याद रखना आज शाम को जो आने वाला है रिलायंस का क्वार्टरली रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिलायंस का रिजल्ट है जनरली अच्छा ही होगा, पर रिलायंस के रिजल्ट से बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के अंदर आ सकता है। या तो मार्केट बहुत ऊपर जाएगा या फिर पहले नीचे गिरेगा, दोनों ही मूवमेंट आपको मिल सकते हैं। अब इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको लगेगा यहाँ पर मूविंग एवरेज। ठीक है, तो मूविंग एवरेज हम लोग जो है वो लगा लेते हैं। आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज देखने से पता चलेगा कि हाँ ये मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। आपके पास अगर मूविंग एवरेज नहीं, तो आप कॉल पुट के अंदर मूविंग एवरेज इस तरीके से लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर कॉल पुट में मैंने मूविंग एवरेज लगा लिए, यहाँ पर देखो मूविंग एवरेज के जो नीचे रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, कॉल हो पुट हो। मूविंग एवरेज के अगर आप बायर हो, मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या करना है, जो मूविंग एवरेज के ऊपर ऑप्शन जा रहा होगा कॉल या पुट, आपको वो बाय करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सिनारियो किस तरीके से देखना है हम लोगों को 2.0 में, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डे क्या होगा, अब देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉल राइटर और पुट राइटर ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि 600 के लेवल पर पुट राइटर ज्यादा थे, कॉल राइटर नहीं थे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड, और 750 के लेवल पर कॉल राइटर ज्यादा थे। ठीक है ना, तो जहां पर कॉल राइटर ज्यादा है आप वो कॉल सेल कर सकते हो। ठीक है, सिंपल रूल क्या है, जहां पर कॉल राइटर ज्यादा हो वहां का कॉल आप सेल कर सकते हो। देखो मार्केट 600 के नीचे कितनी बार आया, ये 600 का लेवल है, इसके नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, इस तरीके से ये 600 को सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा था और ऊपर जो है वो 650 की लेवल थी। ठीक है ना, हम लोग आपके लिए 650 की भी लेवल लगा करके रख लेते हैं। यहाँ पर देखो कॉल और पुट दोनों ही थे, मतलब क्या कि कॉल पुट दोनों ही सेल हुए हैं। ठीक है, 650 का कॉल पुट दोनों सेल करके रखे, मतलब क्या मार्केट का साइडवेज व्यू है और साइडवेज व्यू में मार्केट में कॉल पुट सेल करने से पैसा मिल जाता है। ठीक है, जनरली। ठीक है, अब यहाँ से रेंज ब्रेक करके बाहर निकलेगा, या तो इस रेंज के ऊपर निकलेगा आपको बाइंग करना है, इस रेंज के अगर नीचे निकलेगा तो आपको सेलिंग करना है। टारगेट क्या रहेगा, ठीक है, हम लोग टारगेट भी डिसाइड कर लेते हैं। टारगेट क्या रहेगा, तो आपका जो सबसे पहला टारगेट होने वाला है
वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला जो टारगेट मिलने वाला है वो इस रेंज का आपको आ सकता है, ठीक है। अगर ये ब्रेक हुआ, ये रेंज अगर ब्रेक हुआ तो मार्केट जो है वो गैप फिल करने के लिए इस रेंज तक भी आ सकता है। तो ये दो टारगेट आपके लिए यहाँ पर होने वाले हैं। तो 480-500 के लेवल तक का आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। अब देखो 500 के लेवल पर जो आज थे वो पुट राइटर ही पुट राइटर थे, ठीक है। पर अगर ये चीज ब्रेक करेगी, करेक्ट, ये अगर चीज ब्रेक करेगी 600 वाली, तो यहाँ से क्या होगा, पुट राइटर निकलने वाले हैं, ठीक है। वो आपको मॉर्निंग में ही दिख जाएगा कि किस तरीके से होना। और सैटरडे को कल मतलब मार्केट खुला है 9:15 बजे से लेकर 10 बजे, फिर 10 से 11 ब्रेक रहेगा और 11 बजे से लेकर 12 बजे तक ट्रेडिंग रहेगी। ये सिर्फ F&O में होगा और इंडेक्स के अंदर होगा, स्टॉक ट्रेड नहीं होने वाले, ठीक है। और स्टॉक का ऑप्शंस भी ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के अंदर होने वाला है। तो 2.0 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब कुछ मैं अपने कम्युनिटी में बताता हूँ। अगर आपको सीखना है तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो फेब्रुअरी बैच के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अभी देखते हैं कि डेटा आपको कहाँ पर रीड करना चाहिए। अभी जो डेटा आएगा 29 जनवरी का, वो यहाँ पर आएगा 7 से 8 बजे के बीच में ये डेटा आ जाता है, जनरली 7:30-8 बजे तक आता है। तो ये डेटा आपको रीड करना है, ये मैंने पहले ही वीडियो बना करके रखा है और वहां पर आपको चैनल में मिल जाएगा। इस पर अगर प्रोज और FIS की पोजीशन निगेटिव बनी, ठीक है, निगेटिव कैसे बनेगी, यहाँ पर ये बियरिश वाली पोजीशन, और प्रोज की भी पोजीशन अगर निगेटिव बनी तो मार्केट ब्रेक करके नीचे आ सकता है, ठीक है। और क्लाइंट्स की पोजीशन कैसी चाहिए, बुलिश चाहिए, इस तरीके की बुलिश चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शंस का ही देखना है, इंडेक्स ऑप्शंस का, इनके इंडेक्स ऑप्शन का, ठीक है। आप देखो FIS ने यहाँ पर मीडियम बियरिश था FIS का पोजीशन, प्रोज का पोजीशन, प्रोज मतलब बैंक, बैंकिंग हो गए, या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर हो गए, ट्रेडर हो गए, या फिर ब्रोकर हो गए हम, ठीक है, वो होते हैं प्रो ट्रेडर, ठीक है। उनके पास ही सबसे पहले डेटा जाता है, तो वो मीडियम बुलिश थे और यहाँ पर जो इंडेक्स ऑप्शन में ये बियरिश थे, क्लाइंट्स जो थे मतलब रिटेल इन्वेस्टर, वो भी ये रिश्ते। तो इसके लिए मार्केट इनके अगेंस्ट में ही हमेशा मार्केट खुलेगा, क्लाइंट्स के अगेंस्ट में मार्केट ओपन होता है। ये अगर बियरिश है तो मार्केट गैप अप खुलेगा, ये अगर बुलिश है तो मार्केट गैप डाउन खुलेगा, ठीक है। इस तरीके से जनरली होता है, ठीक है, फिक्स ऐसे ही होगा, इस तरीके की बात नहीं है। पर जनरली ये अगर निगेटिव पोजिशन बना करके गए तो इनके स्टॉप लॉसेस खाने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा, आपको अप ट्रेंड के साइड का ट्रेड वहां पर प्लान करना है। और वो फोर थेरी वाला जो वीडियो नहीं देखा है आपने, फोर कंडीशनल थेरी वाला, तो वो भी आपको मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, कल ही डाला है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज है, नीचे के लेवल के टारगेट आपको मिल गए। अब ऊपर जाएगा तो कहाँ तक ऊपर के लेवल हम लोगों को दिखने वाले, तो ये ऊपर का लेवल है यहाँ तक, ठीक है। तो 800 तक मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो अगेन मार्केट क्या करेगा, गैप डाउन, गैप अप ओपन करेगा, गैप अप ओपन करके फिर से ऊपर जाएगा। इस लेवल तक का मार्केट में आप लोगों को अप मूव देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो अभी कल के सेशन में देखते हैं कि निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करता है। फर्स्ट टाइम ही सैटरडे को मार्केट ओपन रहने वाला है, तो आपको वहां पर भी F&O के अंदर पोजिशन बनाने का मौका मिल सकता है, ठीक है। आज का रिलायंस का रिजल्ट अफेक्ट करने वाला है, उस पर ज्यादातर ध्यान देना। गैप अप अगर खुला तो सेल मत कर देना गलती से, ठीक है। और गैप डाउन अगर खुला तो मतलब बाय मत कर लेना, ठीक है। एक बार ये फिर से एक लो लगाने के लिए जा सकता है, फिर ऊपर आएगा मार्केट, ठीक है। इस तरीके का मार्केट आपको दिखेगा, और ये सेटअप मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखो कि आपको ऑप्शन की स्ट्रैटेजी पे वीडियो चाहिए, आई वॉन्ट ऑप्शन स्ट्रैटेजी वीडियो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और 2.0 को देखना मत भूलो, ठीक है। 2.0 बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 की सिनेरियोज है। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल पर भी डाल दूंगा, अगर आपने चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, आप चैनल जाकर के ज्वाइन करिए, तो ये सारा स्टडी मटेरियल जो है वो वहां पर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको मिल जाए। और कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे जाकर के कम्युनिटी बैच जो है वो फेब्रुआरी की ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हम लोग बजट डे ट्रेड करने वाले हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है वहां पर, तो आप जाकर के कम्युनिटी बैच ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।